Hello viewers, today I am going to discuss a complete MS Excel with an easy steps जिसमें आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें उसमें लाई कर रही हैं, just like जैसे if functions है तो आप लोग particular जो value है उसको just show down करना चाहते हैं या you want to examine the particular cell value, VLOOKUP, HLOOKUP, format pointers and like that other multiple functions are theirs. तो आज हम इनको with an easy steps for beginner के लिए इजी वे में सीखने की कोशिश करेंगे. डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल. लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ द एमएस एक्सेल. इट इज क्रिएटेड बाय अडोब्स. इट गिव्स इजी वे एंड रिलायबल टू प्रेजेंट एंड एक्सचेंज द डॉक्यूमेंट विद इन अ सिस्टम्स आर मल्टी सिस्टम. Hello viewers, Munim Akhtar again with a new option, which is how to convert Excel file into a PDF file. It's so simple and easy way. You can easily, any guys can convert within a minute. Let's discuss how we can convert our Excel files into a PDF files. PDF stands for Portable Document Format. Actually, जब हम PDF file को convert करते हैं, तो ये हमारे लिए easiness होती है कि हम एक system से किसी भी दूसरे system में इसको easily ट्रांसफर कर सकते हैं. इट इज क्रिएटेड बाय अडोब्स. इट गिव्स इजी वे एंड रिलायबल टू प्रेजेंट एंड एक्सचेंज द डॉक्यूमेंट विद इन अ सिस्टम्स आर मल्टी सिस्टम. इस वजह से हम जो है इस फाइल को जो है वो कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग इजीली जो है वो चीजों को मैनेज कर सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सके. हाउ वी कैन कन्वर्ट, देयर आर फोर स्टेप्स. तो विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स यू कैन कन्वर्ट एक्सेल फाइल्स इन टू अ PDF format. Let's discuss step 1. Go to the file tabs. आपने माउस को यूज करना है और अपनी फाइल जो आपका मेन्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक कर दे. उसके बाद सेकेंड स्टेप, जैसे ही उसकी ऑप्शंस अपेयर होंगी आपने सेव एज की टैब को, जस्ट लाइक जैसे ये सेव एज लिखा हुआ है, आपने उस टैब को जो है वो एक्सेस कर लेना है. थर्ड स्टेप, अब आपने क्या करना है कि जैसे ही सेव एज टैब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास विंडो अपेयर हो जाएगी. उस विंडो में आपने सेव एज टाइप जो होगी उसको चेंज कर देना है इनटू अ पीडीएफ एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी वही एक्सेल फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आपके सामने अपीयर हो. देयर इज एन अदर वे यू कैन कन्वर्ट विद इन अ सिंगल क्लिक. इसमें आपने तीन चार क्लिक करने पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल जो होगी आप लोग इजीली एक्सपोर्ट. तो आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है और जैसे ही फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ जाएगी. उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास वो फाइल जो है वो एक्सेल वाली जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो. नाउ टेक अ प्रैक्टिस ऑन द एक्चुअल सिनेरियोस. डोंट मूव अवे. डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग यूजफुल वीडियोस. ये हमारा प्रैक्टिकल शीट है जिसमें हमने कुछ डाटा एंटर किया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक्चुअल सेल्स शीट है. तो आपके पास यूनिट्स हैं, कॉस्ट है, लाइक डेट है और आपने फिर उसका जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो ग्राफ को शेप में भी शो किया हुआ कि हमारी सप्लाई क्या आ रही है विद इन अ टाइम लिमिट और यूनिट की और आपने कितने यूनिट सेल कर दिए हैं. तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इंटू एक्सेल. नो वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इंटू अ पीडीएफ. जस्ट से हमने डिस्कस किया थ्योरी में तो अपने फाइल टैब पे क्लिक करना है. उसके बाद आप के पास ऑप्शन आ जाती है सेव एज. ऑलमोस्ट तो ऑप्शन बनती है, आपने इस पे क्लिक कर देना है. जैसे ही क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपसे डिमांड कर रहा है कि वेयर यू वांट टू सेव द पर्टिकुलर फाइल्स, जस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क. तो आप लोग डेस्कटॉप सपोज हम लोग कर लेते हैं, तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास दो चीजें डिमांड हो रही हैं, एक तो फाइल नेम है और दूसरा आप लोग जो है वो आपके पास उसकी सेव एज टाइप. और उसके बाद आपने सेव एज टाइप पे क्लिक कर देना है माउस के थ्रू, तो यहां पर आपके पास बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल होंगी. जस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड वन व्हिच इज पीडीएफ. नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन. आफ्टर दैट आपके पास ये देखें आपकी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो रही है. ये आपके पास जो है वो पूरी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है. आपकी जो है वो सेल्स हुई है. क्यों हुई है? क्योंकि हमने जस्ट उसको सिलेक्ट किया था. अगर हम पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी शीट के डाटा जो है हमारे पास वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाना था. कि मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट किया है. अब अगेन मैं क्लिक करता हूँ फाइल सेव एज डेस्कटॉप और इसको हम लोग नाम जो है वो चेंज कर देते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं टाइप को. क्लिक ऑन सेव. आपके पास दो टाइप की पीडीएफ जो है वो जनरेट हो चुकी है. एक तो जस्ट आपका जो है वो
ग्राफ शो हुआ था जो उसको हमने कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने जैसे ही शीट के डेटे को क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अब शीट भी आपके पार्ट ऑफ पीडीएफ हो गई। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल फाइल्स इनटू अ पीडीएफ फाइल्स। होपफुली यू गेट द मेन आइडिया। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल फॉर अपकमिंग यूजफुल वीडियोस। एलिमेंट हेयर यू कैन सी दीज आर ऑल नॉर्मली जब आप लोग स्क्रीन को ओपन करते हैं एमएस एक्सेल को यूज करना चाहते हैं तो उस वक्त आपके पास इस तरीके से कुछ स्क्रीन अपेयर हो जाती है। लेट डिस्कस वन बाय वन कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं किस किस पर्पज के लिए। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इज अगर हम लोग देखें तो ये जहाँ पर मेरा माउस जो है वो आपका कर्सर क्लिक कर रहा है, दिस एरिया इज का क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस इज नॉर्मली डिजाइन टू पुट द मोस्ट यूजेबल कमांड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। हाउ यू कैन ऐड अ मोर कमांड, जस्ट लाइक अब मैंने माउस क्लिक करने जा रहा हूँ क्विक एक्सेस टूल बार में, उसके साथ जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें आपके पास बहुत सारी चीज़ें अपेयर हो जाती हैं। तो यहाँ से आपने जो इस स्क्रीन का पार्ट बनाना है उस पर आप लोग जो है वो क्लिक कर लें। सपोज शॉर्ट की है तो जैसे देखें आपके पास शॉर्ट की ऑप्शन जो है कि आपके पास जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एरिया में ऐड कर। नेक्स्ट वन इज अगर हम लोग देखें तो उसके बिल्कुल साथ है मेन्यू बार्स, ठीक है। देर आर मोर देन वन मेन्यू जस्ट लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज एंड लाइक दैट, ठीक है। दीज आर ऑल यू कैन से अ मेन्यू, ठीक है। तो बस हम और नीचे की तरफ आ जाए तो नीचे हमारे पास ये जो है ये 2016 का जो है हमारे पास वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें नॉर्मली जो है एक शीट ओपन होती है, ठीक है। जहाँ शीट इज द एक्चुअली वर्किंग एरिया वेयर यू कैन परफॉर्म और राइट डाउन एनी रिलेटेड टास्क, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन यू वांट टू गेट द रिजल्ट अबाउट द एडिशंस, ठीक है। तो जैसे आप लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं और इस एरिया पर लिखने के बाद आप लोग उसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से यू कैन ऐड मल्टीपल शीट्स वाइल क्लिकिंग ऑन द प्लस साइंस, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और मजीद उसके पास जाते हैं तो हमारे पास है फार्मूला बार। फार्मूला बार जो है आपकी ये जो प्रॉपर एरिया इज कॉल्ड रिबन। जैसे हमने होम पे क्लिक किया तो ये जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं इज कॉल्ड रिबन। तो उसके बिल्कुल नीचे एफ एक्स लिखा, एफ एक्स स्टैंड फॉर फंक्शंस, मैथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जस्ट यू राइट डाउन योर फार्मूला वट यू वॉन्ट टू कैलकुलेट। सपोज आपने दो वैल्यू ऐड की हैं 2+2, तो उनको कैलकुलेट करना है तो वो फार्मूला आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। वो फार्मूला क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब थोड़ा सा राइट साइड पर अगर हम लोग आ जाएँ तो इज एक्सपेंड फार्मूला बार बटन, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इस बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार बटन जो है वो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ रोज होते हैं। एवरी शीट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स, ठीक है। तो सेल इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल एरिया, जस्ट लाइक जैसे मैं राइट साइड पर क्लिक किया, ये देखें आपके पास ग्रीनिश एरिया क्लिक हो रहा है। इसको आप लोग जो है यू कैन से अ सेल, और इसको एक्टिव सेल भी कहा जाता है, जहां पर एक्चुअल आपका सेल एग्जिस्ट कर रहा है और इसका एड्रेस जो है वो आपके पास S10 है। तो S10 इज द एक्टिव सेल, ठीक है, और जहां पर आप लोग कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। उसके साथ है जी आपके पास नॉर्मली एवरी शीट है वो मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। तो उनको आप लोग जो है विद हेल्प ऑफ स्क्रोल बार आर एक आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो देयर इज मेन टू टाइप्स, स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार एंड हॉरिजेंटल स्क्रोल बार्स, ठीक है जी। जस्ट लाइक ये वर्टिकल है और ये आपके पास ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर पर्टिकुलर एरिया तो जस्ट क्लिक ऑन द बटन विच इज अवेलेबल बॉटम साइड में। आपके पास ये प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। आप लोग अगर इन पे क्लिक करेंगे प्लस पे तो आपका जूम जो है वो आउट हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा, और माइनस पे करेंगे तो अलावा आपके पास जो है 3 मेन व्यूज। फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यूज, सेकेंड वन इज पेज लेआउट व्यूज, और थर्ड वन इज पेज ब्रेक व्यूज। अब ये जो तीनों व्यूज हैं आपके पास इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे जी। सबसे टॉप पे जो एरिया है आपके पास यहाँ पर ग्रीनिश एरिया है, इस कॉल्ड जहाँ पे बुक वन लिखा हुआ है इसका टाइटल बार, यू कैन से अ
नीचे जो जैसे ही आप लोग किसी भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, सपोज मैं लेआउट पे क्लिक करने लगा हूँ पेज लेआउट पे, तो देखिए वो सारा एरिया जो है वो उसके रिलेटेड ऑप्शंस ऑन हो गई हैं। इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो उस पर ऑन हो जाती हैं, ठीक है जी। और आपके राइट साइड पर ये जो एरिया है, जस्ट लाइक ये जो एरिया जिसको कहते हैं, जिसमें माइनस है, रेक्टेंगल है और क्रॉस है, क्रॉस में आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, और ये जो रेक्टेंगल है ये कंट्रोल बटन कहलाते हैं, और ये आपके पास आपको फाइल का साइज स्मॉल और बिग करने में, मतलब आपके पास जो है वो नॉर्मली क्या करता है कि आपकी स्क्रीन जो है वो रिस्टोर और करने में आप जो है वो नॉर्मली यूज होती है, और माइनस भी जो है आपके पास जस्ट लाइक आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर स्क्रीन एलिमेंट। MS Excel is a software used for management. जी नाज़रीन, management means to manage the records in terms of employees records, in terms of manufacturing records, in terms of inventory control of any pharmacy or any other things. जी नाज़रीन, actually जो MS Excel की जो आजकल application आप लोग use करते हैं, वो application 1988 में MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लोटस सॉफ्टवेयर के नाम से जो है वो डिज़ाइन किया था, ठीक है। बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, मींस कि इसमें जस्ट लाइक जैसे MS आपके पास ऑफिस कंप्लीट पैकेज है, ऐसा नहीं था, बल्कि एक लोटस के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया गया था, तो जो कि आपके मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स एंड वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो फर्स्ट 1988 में लोटस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था जस्ट लाइक यू कैन से एक्सेल जैसे शीट है, ठीक है। लेकिन इन दोज डेज इट कांट कैप्चर द मार्केट लाइट MS Excel, ठीक है नाज़रीन। फिर क्या हुआ कि MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस पर वर्क किया बहुत ज़्यादा, और फिर इन 1997 में जब उन्होंने फर्स्ट वर्जन अपना लॉन्च किया MS Office जिसको 97 कहते हैं, तो वो पार्ट ऑफ MS Excel था, ठीक है। तो इस तरीके से टिल टू डेज जो है वो आपके पास MS Excel जो है उसके डिफरेंट वर्जन आते जा रहे हैं, और फिर ये इसी तरीके से जो है प्रोग्रेस करता जा रहा है। बाकी अब इसकी फर्दर जो है वो एवरी एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले दिनों में MS Excel से रिलेटेड स्टेप बाई स्टेप आपको गाइडलाइन मिलती रहे। हेलो डियर, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक इज यूजेज ऑफ MS Excel। जी नाज़रीन, आज मैं आपके साथ इसके इन शॉर्ट वीडियो में यूजेज ऑफ MS Excel डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट वन है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन मींस अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, विच इज प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू कैन परफॉर्म इजीली विद द हेल्प ऑफ दीज अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनको मनाजरीन आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी कैलकुलेशन में जो है वो नॉर्मली यूज आती हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपने दो डिजिट को ऐड करना है, सपोज इज इक्वल 10 प्लस 50, ठीक है, तो नाजरीन आपको ये आंसर जो है वो 60 जो है आंसर रिटर्न कर देगा। तो इसके लिए ये आपके पास ऑपरेटर यूज हो रहा है जिसको अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। जी नाजरीन, उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स विच कंपेयर द टू वैल्यूज एंड गिव यू रिजल्ट इन अ करैक्टर टाइप। जस्ट लाइक सपोज आपने क्या करना है कि आपने वैल्यू को कंपेयर करना है कि इफ यू गेट 50 मार्क्स देन इट्स मीन यू गेट ए प्लस ग्रेड। हाउ यू कंपेयर? यू मस्ट यूज द दीज आल लॉजिकल ऑपरेटर्स। जी नाजरीन, ये आप लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज़ करनी है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल सकें और आप इनको सीख सकें। जी नाजरीन, उसके बाद सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ है बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग मीन्स इफ यू हैव अ स्टोर रिगार्डिंग बुक सेलिंग यू आर टू रिकॉर्ड द सेल्ड बुक्स एवरी डेज. ठीक है, तो इसमें आप लोग यू वांट एनी इन्फो अबाउट ग्लॉसरी शॉप रिकॉर्ड ऑफ सेल्स. ठीक है, इट्स मीन कि आपने कोई सपोज ग्लॉसरी शॉप खरीदी, सॉरी ग्लॉसरी शॉप है या आपने बुक कीपिंग की जो है वो शॉप है, तो उसमें आपकी इन्वेंट्री जो इन हो रही है और जो आउट हो रही है, ठीक है, वो आप लोग विद द हेल्प ऑफ एमएस एक्सेल इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं. जी नाज़रीन, नेक्स्ट वन है मिनी डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस क्या होती है जी, कि एक ऐसी डेटाबेस जिसको सादा डेटाबेस यू कैन से, कि जिसमें आप लोग सपोज यू आर ए पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है आपके हर मंथ के एंड पर आपको सेल आपको आपकी पे प्रोवाइड करती है, सॉरी आपको सैलरी देती है. तो वो अब जाहिर है आप उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड कि हर मंथ कितनी सैलरी जा रही है, उनको कितना इंसेंटिव दिया जा रहा है एंड लाइक डैट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोग इस एक्सेल के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं. तो इस वजह से इसको मिनी डेटाबेस भी कहा जाता है. ठीक है, और इसको फ्लैट डेटाबेस भी कहते हैं. एक डेटाबेस आपकी जो है वो नादरा यूज़ कर रहा है, जिसमें आपके जो फैमिली है उसके आगे इनहेरिटेड जितने लोग हैं वो सब के इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास सेव्ड होती है, और आफ्टर डैट वो आपको आपके आईडी कार्ड के अंगेंस्ट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं. तो वो चीज़ इस एक्सेल में तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे लेस टाइप ऑफ डाटा जो है वो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है मिनी डाटा बेस. जी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और यू कैन सी ऐड पहाड़ा और टेबल्स विद अ गिवन नंबर्स. नॉर्मली दिस ऑप्शन हैव ओनली थ्री स्टेप्स. इन फर्स्ट स्टेप पुट योर कर्सर एट डिजायर सेल्स, कि आपने एक खास सेल में जाकर आपने वहां पे अपना नंबर देना होगा. आफ्टर दैट गिव अ नंबर्स एंड इन स्टेप थ्री आफ्टर दैट फॉलो द स्टेप्स रिस्पेक्टिवली. इसमें अभी हम प्रैक्टिकल फॉर्म करते हैं. अ टेबल इन अ सिंपल वे, वन और यहां पर आप इक्वल का साइन और यहाँ पर आपके पास जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा. सो इन दिस वे आपने सबसे पहले जो है अब टू पे रिजाइड करा, तो आपने 10 तक नंबर को जो है वो उसको करना है. तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें जो डॉट नजर आया यहाँ पे माउस का कर्सर लेकर जाएं, तो आपका माउस का कर्सर शेप चेंज हो रही है. नाउ प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ड्रैग एंड ड्रॉप. अब आपने जो सेकंड सेल है उस पर क्लिक करना है और उसका जो डॉट बना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो नंबर जो है वो रिजाइड हो जाएगा जो भी नंबर आपका सिलेक्टेड है. इसी तरीके से वन है तो वन से आप आपने इसे रीजनरेट करनी है, तो आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर लेकर जाना है जैसी शेप चेंज हो रही है, और साथ में आपने कंट्रोल का बटन जो है वो प्रेस कर देना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है जस्ट लाइक हैव अ लुक. और इसी तरीके से आप इक्वल जो है उस पर डबल क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने जो है वो फार्मूला राइट आउट करना है इज इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. सो इन दिस वे आपके पास जो है देखें आपका टेबल जो है वो जनरेट हो चुका है. यहाँ पर हम इन सेल को जो है वो मर्ज कर लेते हैं और एक सेल में लिखा है तो आप यहाँ पर सेंटर में लाना चाहते हैं तो जस्ट उस सेल को सिलेक्ट करें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और यहाँ पर जो है वो आप मर्ज कर लें. हैव अ लुक, इस तरीके से आप इसको जो है बोल्ड कर दें. चारों पांचों कॉलम्स को आप सिलेक्ट करें, यहाँ इन बिटवीन क्लिक करें, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और आप इनको जो है बॉर्डर भी लगा सकते हैं इन दिस. ऑटोमेटिकली ये टास्क जो है परफॉर्म हो जाए तो उसके लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और इसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है. यहाँ पर आपने F4 प्रेस कर लेना है, स्टैटिक हो जाएगा और अब आप इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें. हैव अ लुक, आप उसके बाद X जो है वो प्लेस कर दें और X को जो है इसी तरीके से सेम वही लिखना है. ओके, और यहाँ पर आप सीरीज कर दें. लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, उसने सेम नंबर को कॉपी पेस्ट कर दिया है. तो आप पहले सेल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बटन को प्रेस करें और इस तरीके से जो है आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. देन आप
आपने इक्वल लेकर आना है और यहां पर आपका जो मल्टीप्लाई है क्या होगा कि आपका दिस सेल आप जनरेट प्रेस कर देना है। आपको पता है कि आपने इस जो नंबर है अब इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें। देखिए हैव अ लुक, अब सपोज हम लोग चेंज कर रही हैं, 3 कर देते हैं, हैव अ लुक, हम लोग जो है वो 10 राइट ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेबल जनरेट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, तो फॉर्मेट के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा इसको जो है वो मैनेज करें इन दिस वे, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ तक ले जाएं, इसको मर्ज कर दें, इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें और इस तरीके से इन वैल्यूज को सिलेक्ट करें और आप जो है इसके जो है वो बॉर्डर लगा दें और सराउंडिंग में जो है वो आप लोग टिक बॉर्डर लगा दें और आप जो है इसका जो है वो कलर जो है वो डिज़ाइन कर दें और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे दें। तो सो इन दिस वे यू हैव लर्न हाउ टू मेक अ मल्टीप्लीकेशन टेबल विद इन अ सेकेंड्स। होपफुली यू गेट द मेक मैक्सिमम आइडिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल आईटी एक्सपर्टीज विद मुनीम अख्तर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। If function runs a logical test, जो है वो normally अगर देखा जाए तो हम लोग अभी use करेंगे if function को, तो उसमें हमें जो क्या करता है जी logical value जो है वो return करता है। Suppose आप जो cell में value है वो greater than हो तो वो A grade दे दे, otherwise B grade। ये आपके पास क्या कहलाएगी? Conditions, और इसको logical कहते हैं। और इसमें आपके पास दो values return होती हैं, एक होती है true value और एक होती है फॉल्स वैल्यू। मींस जो आपकी फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन जब आपको एग्जीक्यूट होकर आपकी स्क्रीन पर अपेयर होती है तो इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और जब उसकी अल्टरनेट वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आपके उस सेल में वैल्यू अपेयर होती है उसको कहते हैं फॉल्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन फुलफिल करनी है, एक सेल में वैल्यू है, उसको आपने देखना है, एग्जामिन करना है कि वो पास है और उसके स्कोर 70 से अबव है तो वो पास हो, अदरवाइज वो आपको क्या कर दे, फेल कर दे। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज करेंगे, एक फंक्शन को यूज करेंगे, जिस सेल में आपका कर्सर है उस पर जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे जिसको स्मॉल ब्रेसेस कहते हैं। इफ ए वन मीन्स आपके फर्स्ट फर्स्ट सेल जो है उसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 70 है तो उसको पास कर दे। पुट योर कर्सर ऑन डिजायर्ड सेल्स, कि आपके सेल वैल्यू जो है वो आप लोग ए प्लस या बी लाना चाहते हैं तो वो किस सेल में लाना चाहते हैं, या पास या फेल लाना चाहते हैं तो किस में लाना चाहते हैं, उस सेल में आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इफ इफ जो आपका कीवर्ड है, इफ जो फंक्शन है उसको टाइप करना है और बाकी सारी चीजें पैरामीटर जो है उसको अप्लाई करनी है। नाजरीन हमारे पास पहले से कुछ डाटा राइट डाउन है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, मैथ के मार्क्स हैं, कंप्यूटर के एंड फिजिक्स के, ठीक है जी। सपोज हमने सीरियल नंबर जनरेट करनी है, अगर आपने 1 से 100 तक सीरियल जनरेट करनी है तो उसको आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने ऑटोमेटिकली अपडेट करना है, ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है, आपने 100 सीरीज जनरेट करनी है तो आपने दो सेल में वैल्यू जो है वो डिज़ाइन कर देनी है, राइट ऑन कर देनी है जस्ट लाइक, ठीक है। फिर उनको माउस से दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर डैट आप देख रहे हैं कि आपने जो वैल्यू सिलेक्ट की है उसमें बॉटम में देखें आपके सेल की राइट साइड पर जो है वो डिफरेंट डॉट नज़र आ रहा है, आपने उसको माउस को वहां पर क्लिक करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इस तरीके से आपके पास एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिस्ट जनरेट हो चुकी है। सपोज इसी तरीके से आपके पास रोल नंबर है तो आप रोल नंबर जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने दो सेल्स में वैल्यू जो है विद स्लाइट डिफरेंस ऐड कर देना है। उसके बाद उन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है, आफ्टर दैट आपने अपने माउस का कर्सर वहां पर बॉटम तरीके से आपके पास जो है उसका जो है वो एक सीरियल जनरेट हो चुकी है। अब इसको आप लोगों ने सबने बोल्ड करना है या साइज बढ़ाना है, इसको जस्ट सिलेक्ट करें और इसका जो है वो साइज आप लोग जैसे आपने इनके सेल की वैल्यू बढ़ानी है तो ये देखिए सेल जो है वो आपने सबको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप लोग क्लिक करें इन बिटवीन तो है वो लोग के पास इस तरीके से सेल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, हाउ यू कैन प्लेस अ बॉर्डर, आपने नंबर ऑफ सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने अपने होम टैब में जाकर फॉन्ट के ग्रुप में जाकर यहाँ पर आपके पास ये देखिए बॉर्डर्स पड़े हुए हैं तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास बॉर्डर जो है वो लग चुकी है। अब सपोज हम मैथ के मार्क्स दे दें, 10 मार्क्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों मार्क्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है जिसे कहते हैं सम फंक्शन।
ऑप्शन से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपने नाजरीन एक बात कीप इन माइंड रखनी है कि बिफोर गोइंग टू ओ टाइप एनी फार्मूला यू मस्ट एड इक्वल साइंस। तो इक्वल साइन के बगैर जो है आप लोग कोई भी फार्मूला टाइप नहीं कर सकते, अगर टाइप कर दिया तो वो एक्यूरेटली काम नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है सम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, मींस आपने किन वैल्यू को जो है वो ऐड करना है। तो हम माउस से उन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर प्रेस, टेक्निकली उन सब का एडिशन आ चुका है। मींस C3 से लेकर E3, मींस यहां से लेकर यहां तक इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू थी ऑटोमेटिकली अगर 1000 सेल्स भी होते तो इसी तरीके से कैलकुलेट हो सकती थी। अब आपने यहां पर भी वही फार्मूला यूज करना है, यहां पर भी एंड लाइक दैट। तो यूज करना जस्ट लाइक आप लोग सेल के राइट बॉटम पे जाएंगे तो आपके माउस की कर्सर चेंज हो जाएगी, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ऑटोमेटिकली वो आपका रिजल्ट जो है वो जनरेट जो है वो परसेंटेज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है जी, तो उसके लिए आपके पास सबसे फर्स्ट वन क्या है कि नाउ वी कैन गेट परसेंटेज। तो उसके लिए आपने क्या करना है नाजरीन, आपने सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करना है परसेंटेज साइंस। तो आप लोग सपोज यहां पर डिजाइन कर दे कि ये आउट ऑफ 300 मार्क्स हैं जी, तो यहां पर हमने क्या करना है इक्वल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, और आपने एंटर प्रेस किया। सपोज अब यहां पर भी हम लोग ऐसे ही करते हैं एक्वायर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स से, यहां पर भी एक्वायर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय वैल्यूज जो है वो अब आ चुकी हैं। अब आपके पास यहां पर देखें अगर आप लोग, तो यहां पर परसेंटेज साइन ऑल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज साइन जो आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको राउंड फिगर कर देगा, मींस 73 समथिंग। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं परसेंटेज साइन पे, ऑटोमेटिकली 73% आ गया। अब ये देखिएगा वैल्यू, अब ये इसने राउंड फिगर कर दिया। राउंड फिगर क्या होता है कि नॉर्मली अगर आपके पास वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी तो वो उसको राउंड फिगर करके 62 से 63 कर देगा। अगर लेस देन 5 होगी, मींस 4 आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली वही वैल्यू उसकी जो है वो रिजाइड करेगी। तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, अगेन हम दूसरी जो है परसेंटेज उसको सिलेक्ट करते हैं, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो 62% है। अब नाजरीन इसको देखिएगा, ये हमारे पास 58.66 है, तो इट्स मीन ऑटोमेटिकली ये इसको 59 पे जो है वो ले जाएगा। इज ऑल अबाउट इफ कंडीशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलो। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस व्हाइल यूजिंग द स्प्रेडशीट। तो आप लोगों ने नाजरीन देखा होगा कि जब आप लोग स्प्रेडशीट यूज कर रहे होते हैं तो स्प्रेडशीट नॉर्मली इज अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वो उन सेल्स में उस पर्टिकुलर प्लेस पर आप लोग अपना डाटा राइट डाउन करते हैं और एक वक्त में आप सर्टन सेल्स ऑन द स्क्रीन यू कैन वॉच आर व्यू इज सेल्स होते हैं या फर्स्ट रोज होती हैं इन एक्सेल, तो वो नॉर्मली बिहाइंड द स्क्रीन चली जाती है, तो वहां पर आप उसकी हेडिंग्स या डाटा जो है वो परमानेंट विजिबल नहीं कर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फेलोज। लेट डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज फ्रीज पैन। फ्रीज पैन इज अ फीचर नॉर्मली इन स्प्रेड एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट। फ्रीज आर रो आर कॉलम्स फॉर परमानेंट डिस्प्लेड इवन यू नेगेटिव द स्प्रेडशीट्स, कि आप लोग जब नेविगेशन अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट रो होती है या फर्स्ट आपका कॉलम्स होता है तो वो आपके पास आप बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो चला जाता है, तो आप उसको विजिबल नहीं कर सकते। तो ये आपके पास फ्रीज पैन आपको हेल्प प्रोवाइड करती है कि आप परमानेंटली उन नंबर ऑफ सेल्स को स्क्रीन पर विजुलाइज कर सकते हैं। हाउ टू यूज अ फ्रीज पैंस थ्रू माउस, देर आर सर्टन 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज पुट योर कर्सर ऑन द डिजायर सेल, कि आपने जहां पर फ्रीज पैन अप्लाई करना है वहां पर आप अपना कर्सर को जो है वो रिजाइड करवाएं। उसके बाद आपने अपने माउस के कर्सर को व्यू मेन्यू में या व्यू टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो जैसे ही रिबन ओपन होगा तो उसमें एक विंडो का ग्रुप बना होगा, वहां पर आपने अपने कर्सर को लेकर जाना है। आफ्टर दैट वहां पर आपके पास फ्रीज पैन की ऑप्शन अवेलेबल होगी। फ्रीज पैन आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट वन इज फ्रीज टॉप रॉ, कि आपने जो सेल पे सिलेक्ट किया है जहां पर कर्सर मूव कर रहा है आपका,
जैसे ही आप लोग इस फर्स्ट ऑप्शन को यूटिलाइज करते हैं, सपोज इस फ्रीस्ट पैन टॉप रो को करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब आप स्क्रॉल करेंगे, जस्ट लाइक जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो एज इट इज आपके पास विजिबल। जी नाजरीन, नेक्स्ट स्टेप है फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स। आप लोग लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो नॉर्मली आपके पास शीट कॉलम और रो से बनी होती है, तो लेफ्ट साइड का फर्स्ट कॉलम आपने फ्रीज करना है, तो जस्ट आप लोग फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं, अगर आप लोग जो है उसको जो है वो वर्टिकली आपके स्क्रीन को जो है वो मूव कर रहे हैं। थर्ड स्टेप इज फ्रीज पैंस, कि आपने नंबर ऑफ पैंस को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग एक दो तीन चार लाइंस को जो फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने फिर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने फ्रीज पैन पे क्लिक कर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीज पैन। अब हम इसकी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, होपफुली जिससे आप लोग ज्यादा इस चीज को जो है वो मैनेज कर सकें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर योर फेलोज। मेरे पास एक स्प्रेडशीट पहले से हमने बनाई थी लास्ट क्लास में हमने, सपोज अब देखें हमारे पास, तो अभी आपके पास 1 से लेकर 10 तक जो है वो रोल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोज आप लोग इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो सपोज मैं इसकी जो है इंक्रीज कर लेता हूँ, सपोज मैं ले गया हूँ 110 तक ले गया हूँ, तो ये देखें जी आपकी टॉप रो जो है वो डिसअपेयर हो चुकी है फ्रॉम द स्क्रीन साइड्स। यहाँ पर कर्सर करना है आपने सेलेक्ट, उसके बाद आपने व्यू में जाना है, और व्यू में जाकर आपने विंडो पे क्लिक कर देना, और इस तरीके से फ्रीज पैन की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करना है, आफ्टर दैट फ्रीज पैन कर देना है। 1000 of 1000 सेल पे भी क्लिक करेंगे, आपकी फर्स्ट रो जो है वो नॉर्मली फ्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन हम यूटिलाइज करते हैं जी। अब सपोज मैं अगर वर्टिकली करता हूँ, ये देखें फर्स्ट कॉलम जो है लेफ्ट साइड का ये वाला जो है वो हमारे पास से डिसअपीयर हो गया है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि इस कॉलम को फ्रीज करना, आप इस पर क्लिक करें और फर्स्ट कॉलम, अब देखें जरा मैं राइट साइड पे मूव कर, फ्रीज टॉप रो, कि आप लोग चाहते हैं कि सिंपल जो ये वाली जिसपे 300 लिखा हुआ है इसको सिर्फ आप लोग फ्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करें। दिस इज ऑल अबाउट फ्रीज पैन। इफ यू हैव एनी क्यूरी डोंट फॉरगेट to write your comments. Viewers, to discuss a pivot table in MS Excel. Pivot table provides a summary of your data. It offers user-friendly ways to quickly summarize large amount of data. Third point, provides better understanding, displays and analyzes numerical data in a details. It also provides, in step 4, it provides help to identify and answer unexpected questions surrounding it. This is a very useful way if you want to get a summary about the help of particular information with the pivot tables. You can access all these information just like within a click. How to use? 6 steps normally you can utilize. First one, enter your data into a range of rows and columns. Second step, sort out your data by a specific attributes. Then you must sort out a particular data जो कि आपके पास वर्टिकल जो है वो शेप में अवेलेबल है, कोई भी एक आप लोग वर्टिकल जो फील्ड है उसको आपने प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर लेना है। थर्ड स्टेप, हाईलाइट योर सेल्स टू क्रिएट योर पिवट टेबल्स। अब इसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जब आप लोग पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने से पहले अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें या पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर लें, इट्स अप टू यू। फोर्थ स्टेप, ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स इनटू द रोज लेबल्स एरियाज। अब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो ऑटोमेटिकली द पिवट टेबल विल प्रोवाइड अ समरी। ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स इनटू द वैल्यूज एंड फाइन ट्यून योर कैलकुलेशंस, ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट आउट करके दे देगा कि ये कितनी दफ़ा अक्कर हुआ है। सपोज आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं तो वो मार्क्स से रिलेटेड आ जाएगा, कोई आपने प्रोडक्ट सेल की है तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाएगा। डोंट मूव अवे। डेटा है डेट वाइज, जिसमें 16 है, 17 है और विद इन ईयर्स है। 16 में आपने टोटल जो है वो क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे सेल की हैं, अपना पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें जस्ट लाइक। नाउ मूव योर कर्सर टू द इंसर्ट टैब्स। After that, this tab will provide a multiple options. Just move your cursor at the leftmost positions and there is pivot tables. Just like it is, you can say, giving you information to easily arrange and summarize complex data in a pivot tables. Now have a look, a new window appear and this window is
प्रोवाइडिंग यू एस सम इंफॉर्मेशन कि आपने अगर पहले से डाटा सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास ऑलरेडी वो सिलेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा, जस्ट लाइक ये देखें। और उसके बाद आप ये पिवट टेबल किस शीट पर चाहते हैं, न्यू वर्क शीट पे या इसी पर, आपने एग्जिस्टिंग पे कर देना है ताकि हमारे पास डाटा भी एज इट इज़ जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद लोकेशन बता देनी है, जस्ट मूव योर कर्सर टू द अप एरो, नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड सेल, जहां आप लोग चाहते हैं कि आपका पिवट टेबल पेस्ट हो जाए, जस्ट ओवर देयर, देन क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड फाइनल स्टेप इज क्लिक ऑन द ओके बटन। नाउ हैव अ लुक, पिवट टेबल हैव बीन जनरेटेड। नाउ अगर आप लोग थोड़ा सा राइट साइड पर देखें तो आपके पिवट टेबल की जितनी भी फील्ड्स थी वो सारी फील्ड्स आपको जो है वो विजुलाइज हो रही हैं। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो फिल्टर कॉलम्स वैल्यूज एंड रो, नो पुट वन बाई वन अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स, आप लोग यहाँ पर जो है वो उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ इस लोकेशन पर आपका वो प्रीव्यू जो है वो आपको विजिबल होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फील्ड को मैं जो है वो उस एरिया में जो है वो यूज करना चाहता हूँ। सपोज आई वांट अ डेट, जस्ट मूव योर कर्सर, डोंट रिलीज द बटन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द रोज। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो है यू वांट टू ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन से अ यूनिट्स, नाउ मूव देयर, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। सो इन दिस वे जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल लाइक डैट। नो वी वांट प्रॉपरली ईयर्स भी आ जाए तो उसके लिए यू जस्ट इमेजिन और एनालाइज, आपके पास जो ईयर्स हैं उसको आपको कॉलम्स में आना चाहिए, ये अब आपने खुद से उसको एनालाइज करना है। टोटल ईयर्स आ गए हैं, ठीक है। और अब आप लोग चाहते हैं, नो आई वांट टू टेक अ सम ऑफ सेल्स, जस्ट मूव योर कर्सर टू द सेल टैब्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। जी नाजरीन, देखा आपने कि आपके पास जनवरी में जितने जो हैं दिनों में उनकी डेट्स में जो डाटा आपने 2000 जो है वो 16 में किया है, और सपोज़ इसको तो है हम लोग थोड़ा सा वो बॉर्डर लगा लेते हैं टू विजुलाइज ईजीली, सो इन दिस वे यू कैन ऐड बॉर्डर्स। सो हैव अ लुक, दिस इज अबाउट द 2016, दिस इज डाटा अबाउट द 2017 कि आपने 51617 में किए थे, 217 जो है वो आपने यूनिट्स जो है वो 16 में किए थे, और टोटल यूनिट्स जो है आपके पास जो है वो आपके पास क्या है जी कि वो टोटल आपने कितने किए हैं जनवरी 2016 में और 17 में, और जो यूनिट वन है 17 में आपने 12 किए हैं और 16 में आपने 16 सेल आउट किए हैं और टोटल 23 हैं। उसके अलावा आपने क्या किया जी कि जो यूनिट टू है वो आपने जनवरी में 26 किए हैं और 2007 में जनवरी में आपने निल किया है तो टोटल 26 हो गए हैं। सो इन दिस वे यू कैन गेट अ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक बाय गिविंग ड्रैग एंड ड्रॉप। सपोज इफ यू वांट टू मूव डाउन तो जस्ट आप लोग क्या करें जी, यूनिट्स को अनचेक कर दें, ऑटोमेटिकली वो आपके पास डिलीट। दिस इज ऑल अबाउट द पिवट टेबल्स, होपफुली यू गेट द आइडिया।